अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। एजाज खान ने लगाया टिकटॉक फैन से सेक्सी भेदभाव का आरोप, बोले हिंदू या मराठी होते हैं। टिकटॉक फैन फेजू शेख द्वारा दिए गए आपत्तिजनक वीडियो के बाद उन्होंने रहनुमा उन्हें सपोर्ट करने वाले एक्टर एजाज खान के विचार अभी भी इस वीडियो से कुछ अलग नजर नहीं आते हैं। आज भी वह आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां भी सभी इस कॉन्टैक्ट को लेकर नाराजगी दिख रहे हैं और वहां शिकायत कर रहे हैं। लेकिन एजाज को इनके वीडियो के कॉन्टैक्ट में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। एक्स बिग बॉक्स कॉन्टेक्स्ट, एजाज खान ने भी न्यूज से हुई खास बातचीत में कहा कि एक वीडियो को लेकर इतना बड़ा बवाल बिल्कुल नाइंसाफी है। अगर इस वीडियो में 5 मुस्लिम बच्चों के अलावा एक हिंदू या मराठी बच्चा होता तो आपका जनिक नहीं जताते। इसके आगे एजाज ने कहा कि देश भले ही सर्वधर्म संभाव की बातें करता हो, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव किया जाता है। वीडियो का जिक्र करते हुए एजाज खान ने कहा कि 17 फ्लाइट 8 बिलियन बार इस वीडियो ऑडियो पर लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट डाला है, तब किसी ने आपत्तिजनक नहीं जताई, लेकिन जैसे फैजो ने ये कॉन्टैक्ट डाला तो आफत मच गई। इसके आगे उन्होंने कहा, फैजो ने बड़ी मेहनत से टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पर अपना नाम बनाया है, उन पर लोग उंगलियां उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिवसेना नेता का नाम लेते हुए एजाज कहते हैं कि ऐसे लोग की वजह से ही देश में धर्मनिरपेक्षता पर है। इसके आगे एजाज खान ने कहा, विदेश धर्मनिरपेक्ष है। एजाज का कहना है कि ऋतिक रोशन, जिन्होंने मिशन कश्मीर मिशन में कश्मीरी टेररिस्ट का रोल निभाया था, तो क्या वो टेररिस्ट हो गए? क्या उन्होंने और फिल्में नहीं मिली? आगे कहते हैं, उन्होंने कहा, मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है और फेसबुक को टिकटॉक पर इस तरह बैन करके ये भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। एजाज खान ये भी कहते हैं कि टिकटॉक ने जो बैन लगाया है उसे हटा दें। एजाज को अभी भी यह लग रहा है कि फेसबुक और उनकी टीम ने कोई गलत नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट डाला और लोगों ने उनके मुसलमान होने पर इस तरह के बवाल खड़ा कर दिए हैं। देश के लिए ये वीडियो भड़काऊ है।